आम आदमी पार्टी की ओर से पटेल चौक स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें हल्का पठानकोट से उम्मीदवार विभूति शर्मा की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव वरुण कोहली, अंकित मेहरा के नेतृत्व में कई युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विभूति शर्मा ने नए शामिल सदस्यों को सिरों पर पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और वहीं वरुण कोहली व अंकित मेहरा ने संयुक्त रूप में कहा कि उन्होंने लंबा समय कांग्रेस में बिताया है और कई पदों पर रहकर पार्टी की सेवा की, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें महासचिव के पद तक पहुंचाया वह उनके भी काम नहीं करवा पाए। वहीं पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने लगातार उन्हें अनदेखा किया है और वहीं उन्होंने कहा कि वह अब आम आदमी पार्टी की नीतियों और विभूति शर्मा की ईमानदार सोच के चलते वह कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए हैं। मैं अंकित मेहरा, जनरल सेक्रेटरी असेंबली पठानकोट, कोऑर्डिनेटर पठानकोट, अज कांग्रेस पार्टी की नीतियां तो और लोकल जड़े साढ़े विधायक रह चुके ने पहले एक्स एम एल ए साढ़े अमित विज जी, उन्होंने नीतियां तो दुखी हो के कांग्रेस पार्टी को छड़ के मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा। मैं दसना चाहना है कि जो भी साढ़े को कांग्रेस पार्टी पोस्टा सगिया कोई किसी संगठन ने सू चिट्ठिया नहीं दिखा। यूथ कांग्रेस एक इलैक्शन होंगे, इलैक्शन प्रक्रिया नाल अगे जोड़े अहदेदार वो चुने जाते हैं। असं इलैक्शन लड़ के इलैक्टड बॉडी आए सी, कांग्रेस पार्टी काफ़ी काम किया, पर अमित विज जी दकामयाबियाँ यूथ अज सू सवाल पूछता, सू क्वेश्चन करता कितने साड़िया नौकरियां, कितने शहर की डिवेलपमेंट, कितने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। अज मेयर साहब बड़े दावे करते हैं कि बड़ी सत्त महीने डिवेलपमेंट हुई है, ढाई ढाई पाँच पाँच लख रुपए के टेंडर होए ने हर वार्ड, ढाई करोड़ रुपए के टेंडर होए ने। किसी वार्ड मैनू दस दिन कितने टाइलां लगियां, कितने सीसी हुई है, कुछ भी नहीं। शहर का सारा सीवरेज आ चौक मार चुके हैं, शहर की डिवेलपमेंट के नाते सिर्फ धज्जियां डाइया गई और कुछ नहीं किया गया। जे डिवेलपमेंट हुई है इन्हां दी परसनल हुई है, इन्हां दी परसनल फैमिली तो हुई है, जे कोई इन्हां दे खिलाफ आवाज़ चुकता तो उन्हों थ्रेड किया जाता। मैं एक नॉर्मल फैमिली तो बिलोंग करदा, पोलिटिक्स ना मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे साथियों ने कहा सिस्टम चेंज करन लई सानू सारयां नू पोलिटिक्स आने पैना, असी पोलिटिक्स आए और चंगे लिए आए, हमेशा इनकलाब का नारा दिता। इन्हां ने मेरी फैमिली नू थ्रेड किया कि तेरे फादर साइकिल ते जांदे आ, असी उन्हां नू मरवा देंगे, असी तन्नू मरवा देंगे। मेरे घर पुलिस दियां दो जिप्सियां, पतला जिहा मैं हैगा, मैनू दो जिप्सियां चुकन लई भेजियां गईयां कि क्यों रीज़न की कि मैं इन्हां दे खिलाफ़ बोलता सी, सच दी आवाज़ जिहड़ी चुकदा सी। एम साहब कैप्टन साहब नू इन्हां दी शिकायत कीती सी कि आ फोन नहीं चुकदे, इन्हां ने मेरे खिलाफ़ पुलिस भेजी। और मैं सारे शहर वासियां नू भी बेनती करना, अज शहर का जिहड़ा माहौल है इलैक्शन का बहुत चेंज हो चुकिया, पार्टीबाजी तो उपर उठ के एक चंगे इंसान इन्हों का फेस देखा जाए, बहुत ईमानदार इंसान ने। इन्हों को पहले भी असी बतौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन इन्हों को काम किया, इन्हों के हाथों से ही पले, इन्हों के हाथों से ही सारी राजनीति की है। मैनू कोई भी दुख नहीं हो रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी छड़ रहा, क्योंकि मैं बड़े चंगे हाथों जा रहा, बड़ी अच्छी पार्टी और एक ईमानदार फेस, ईमानदार परसन विभूति शर्मा जी को जा रहा। बहुत बहुत मेरे साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस फैसले पर मेरा सहयोग किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੁੱਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਟੀਮ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਓ। 10-10, 15-15 crore rupees ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
देखो जी असी किसे लीडर दे अगे हाथ फुला के पोस्टा नहीं लिया। असी बाई इलैक्शन असी इलैक्शन लड़िया यूथ का, वो मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सैकटरी बनया, पर मेरे जड़े भरावान ने मैनू वोटा पा के जनरल सैकटरी की पोस्ट पर बिठाया सी, पर मैं उन्होंने कोई भी काम नहीं करवा सकया क्योंकि जिहड़ी सीनियर लीडरशिप है वो साड़ी गल नहीं सुनती, वो साड़ी गल नू इग्नोर करती है, तो जिहड़े बंदे सानू इग्नोर करते ने ते अज जे असी उन्हां नू इग्नोर करांगे ते इहदे च कोई वड्डी गल नहीं है। इस करके असी भभूती भाई दे हथ मजबूत करन लई कांग्रेस नू यूथ कांग्रेस नू छड्ड के अज अही आप दे विच शामिल होण जा रहे हां। सेम क्वेश्चन तुहाडे कोल आ रहे हां भई गलियां नालियां बनाउण दा काम मेयर साहब का काम है, पर वो कहते एम एल ए साहब कह रहे हैं भी गलियां नालियां जिहड़ियां ने बहुत सुंदर बनाती हैं, तो सर ऐ तो उन्होंने अपनी अंडरसटैंडिंग है ना कि यह काम जां मेयर साहब ने किया तो जां विज साहब ने किया, पर आप गलियां नालियां नू विकास कहांगे। गलियां नालियां तो अज तो कई साल पहले बनदियां आ रही ने, सानू विकास चाहिए, साडा यूथ नू जॉब्स चाहिए ने, ठीक है, सानू साडे बजुर्ग उन्होंने हस्पतालों के फ्री इलाज हो। इस चीज़ नू विकास किया जाता है जो कि तुसी दिल्ली दे विच जाके देख सकते हो, एक एक बजुर्ग नू ओ वधिया तरीके नाल ट्रीटमेंट दिंदे ने, हर इलाज चलते ने, फिर बच्चियां दी पढ़ाई उत्थे फ्री है, सब कुछ फ्री है, बिजली पानी। मेरे रिश्तेदार दिल्ली दे विच काफ़ी रहिंदे ने, ओ कहिंदे ने जदों दी केजरीवाल सरकार आई है उदों ते साडा 5-7 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा बच गया। लगता है सब कुछ पंजाब दे विच भी केजरीवाल दे पाउंगे सर, जे तो पंजाब की जनता उन्होंने सपोर्ट करेगी फुल मचोटी ना लियाएगी तो सर जरूर वो काम करनगे, होणगे काम क्यों नहीं होणगे। जे उन्होंने दिल्ली च कीता, दिल्ली अद्धी स्टेट है जी, अद्धी सेंटर को है, अद्धी दिल्ली गोरमेंट को है, फिर भी उन्होंने इन्ने वधिया काम किए, जेडे उन्होंने दो चार डिपार्टमेंट ने उन्होंने उन्होंने बहुत वधिया काम किए ने, पर आप पूरा राज्य अज अरविंद केजरीवाल तो भगवंत मान जी सौंपन जा रहे हैं, तो डिवेलपमेंट लई पंजाब नू लैके जा रहे हैं। अज साडे विच यूथ कांग्रेस के अहुदेदार अंकित मेहरा जी जेडे कि जिले के जनरल सैकटरी सीगे, इन्हां दे नाल वरुण कोहली जी जेडे भोआ के हलका इंचार्ज भी सीगे और पठानकोट के जनरल सैकटरी सीगे, अपने सारे यूथ कांग्रेस के साथियों सहित सैकड़िया साथियों सहित अज आम आदमी पार्टी के शामिल होए हैं। इन्हों का आम आदमी पार्टी के शामिल होने असी सारे पूरी पार्टी साड़ी सौरभ बैल जी और सारे जिन्हें भी अहदेदार ने रेखामणि शर्मा हरी जिला प्रधान ने और जिन्हें भी साढ़े अहदेदार ने पूरी पार्टी के लोग जोड़े ने वो इन्हों का जिया आखते हैं और इस पार्टी दे विच इन्होंने आम आदमी पार्टी दी नीतियां देखिया और उस तो प्रभावित होके केजरीवाल जी दी नीतियां तो प्रभावित होके ये आम आदमी पार्टी से शामिल होए ने। इन्हां दा असी स्वागत करते हैं और ये यूथ दे जिहड़े नौजवान ने जिहड़े ये अपना भविख देख के, क्योंकि कांग्रेस दे विच इन्हां दा भविख जिहड़ा सीगा अंधकारमय सी, क्योंकि कांग्रेस जिहड़ी है वो युवाओं वास्ते कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लारे दिते। पिछले 5 साल पठानकोट के जोड़े विधायक ने उन्होंने कहा कि मैं यूथ न 15,000 यूथ नौकरी देंगा, लेकिन अज दिन तक कोई 15 जोड़े बच्चे है वो भी नहीं ये लगवा सके कित भी। सो इस करके सारा जिन्ना भी यूथ है अज आम आदमी पार्टी शामिल होया और आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा हंकारा मिलया है और असी यूथ नू जिहड़ा आश्वासन दिलाने कि तुहाडा पूरा मान सम्मान होएगा और जो भी तुहाडी मंग होएगी, जो भी तुहाडी इच्छा होएगी आम आदमी पार्टी दे विच पूरी होएगी और आम आदमी पार्टी हमेशा युवा वर्ग दे नाल खड़ी है, क्योंकि युवा वर्ग जो है अगर देश नू कोई बदल सकता है, देश की राजनीति नू कोई बदल सकता है तो वह हैगा युवा, क्योंकि साडा हिंदुस्तान जिहड़ा है वह 60% युवा है। सो इस करके युवाओं का ख्याल रखना साड़ी पार्टी का धर्म भी है और फर्ज भी है, असी हमेशा यूथ दे नाल जुड़े हैं और यूथ नू जड़ा अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आने वाले टाइम दे विच अच्छे रोज़गार के साधन पैदा करेंगे पैदा करांगे और अच्छी पॉलिसियां जिहड़ियां सरकार वालों यूथ के प्रति वो बनणगियां, इहो ही इन्हां नू आश्वासन दिंदे आ। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद कि इह अज साडी पार्टी च आए न और साडी पार्टी नू बहुत मजबूती मिली है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सर अज आप सुप्रीमो जिहड़े ने अरविंद केजरीवाल उन्होंने
देखो ईडी दे रेट जिहड़े है वो एक गल तो है साडे भगवंत मान जी ने एक गल कही सी कि जे किसी को कुछ होएगा तो फिर निकलेगा ना जी। अगर 10 करोड़ रुपया बरामद होया चन्नी साहब के रिश्तेदार तो 10 करोड़ रुपया कितों आया? साढ़े तो कोई ईडी का छापा नहीं पैंदा, साढ़े तो मार लैन जो साढ़े अंदरों 10 रुपये भी निकल जाएंगे तो गल करो। सो ये मतलब कहता भी जिदे जिथे ये गल ठीक है कि बीजेपी ने हो सकता ये अपना उन्होंने राजनीति कोई ले हुए रंजिश, लेकिन कुछ धुआं उठता है तो अग बली हो धुआं ही उठता ना जी। वो तो सारे पता कि ये अगर रंजिश की गल है, पर फिर भी इन्होंने जिनी करप्शन की है माइनिंग माफिया दूसरा तीसरा, तुम अज देखो अपने एक ट्राली का 600-600 रुपया लै रहे, पर्ची कट रहे हैं और पर्ची बिल्कुल कोरी होंगी है, तो 600 रुपया ना वो गुंडा टैक्स कहते ना, ना सरकार के खाते जाता ना किसी खाते, वो सिर्फ इन लोगों के खाते जाता, मंत्रियों के घर जाता, सीएम के घर जाता। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।